हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियंस कैलेंडर से वर्ष आगे है। कहने का मतलब कि विक्रम संवत जो है कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितने वर्ष आगे है, ये आपको बताना है। तो कह रहे हैं कि ऑप्शन करें 46.7, 66.7, 56.7 और या 76.7 है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, 56.7 वर्ष जो है आगे है। ठीक, देखिए विक्रम संवत कैलेंडर जो है, विक्रम संवत कैलेंडर का जो प्रारंभ हुआ था 57 या 58 वर्ष, 58 वर्ष जो है पूर्व माना जाता है, पूर्व माना जाता है 57 या 58 वर्ष पूर्व माना जाता है। और विक्रम संवत कैलेंडर की जो शुरुआत ये थे विक्रमादित्य ने किए थे, इसने विक्रमादित्य ने की। और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि शुरुआत ये किसने किए थे, 1582 में, 1582 ईस्वी में पोप ग्रेगरी 13वें, कौन भाई, पोप ग्रेगरी 13वें ने, 13वें के द्वारा प्रारंभ किया गया था 1582 ईस्वी में। यह जो है ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है। इसमें इस और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है के अनुसार जनवरी वर्ष का प्रथम महीना होता है। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे कि 12 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा भाई? बी नंबर सही हो जाएगा, दीपांकर दत्ता को। दीपांकर दत्ता को 12 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए इनको जो है किसने शपथ दिया है? मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। कौन भाई? चंद्रचूड़ ने इनको क्या किए हैं? तो शपथ, तो ऐसा भी पूछा जाता है वर्तमान में जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो धनंजय यशवंत चंद्र चूड़ हैं, इन्होंने जो है इनको शपथ दिलाई है। ठीक, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट आया तो देखो इसको, इसकी जो भाग पाँच है, इसका जो संविधान के भाग पाँच में रखा गया है और आर्टिकल जो है 124 से 147 में प्रावधान किया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है 124 आर्टिकल में है, अनुच्छेद 124 में प्रावधान किया गया है। ठीक, और वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी है? 34, जो मुख्य न्यायाधीश को लेकर, मुख्य न्यायाधीश को इसके सहित जो है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी भाई? 34 है। ठीक, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बना, कौन सा है या कौन बन गया है? तो भाई कौन सा बन गया है? कहीं पेटीएम से गूगल पे या फोन भुगतान या रेजर पे? तो ऑप्शन नंबर इससे डी नंबर बन गया है, रेजर पे। देखिए यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला रेजर पे भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है। इस कदम का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को और मजबूत करना और भारत में क्रेडिट भागीदारी को बढ़ावा देना है। ठीक है, क्या भाई? डिजिटल को मजबूत करना है और भारत में क्रेडिट भागीदारी को बढ़ावा देना है। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी कि प्रतिवर्ष 6 जून का दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त किस आधिकारिक भाषा को मनाने के लिए समर्पित है? तो किस भाषा के लिए भी? तो ऑप्शन नंबर ये सी नंबर हो जाएगा, रूसी। तो प्रतिवर्ष 6 जून का दिन जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त जो आधिकारिक भाषा कौन सी है? रूसी है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र मान्यता प्राप्त कुल कितनी भाषाएं हैं? 6 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं? 6 हैं। तो पहली कौन से भाई? अरबी है, अरबी, चीनी,
चीनी, अंग्रेजी अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, रूसी रूसी है, और लास्ट है सिक्स नंबर पर स्पेनी। तो इस कुल कितनी मान्यताएं भाषा हैं? सिक्स मान्यताएं। तो कौन भाई? अरबी, अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। ठीक है, स्पेनी है। ठीक है, तो इस प्रकार सिक्स भाषाएं इसकी कुल हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि द शेप ऑफ द बीस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द शेप ऑफ द बीस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, अरुंधति राय जो है। अरुंधति राय जो है द शेप ऑफ द बीस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। देखिए, इसके अलावा इन ऑर्डिनरी पर्सन टू द एम्पायर द अल्ट्रेजा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस और नौ साम्राज्य के नए सिक्के, इनकी क्या हैं? प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो इस प्रकार इसका बी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि गैर पारंपरिक ऊर्जा के संदर्भ में ओटीई का मतलब क्या है? ओटीई का मतलब क्या है? ओटीई मतलब ओशियन से थर्मल एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी। तो कह रहे हैं कि गैर पारंपरिक ऊर्जा के संदर्भ में ओटीई का मतलब क्या है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका सही हो जाएगा, समुद्री ऊष्मीय ऊर्जा। देखिए, महासागरी लहरों के बीच उपस्थित तापांतरों को द्वारा बिजली उत्पन्न करने की तकनीक है ओटीजी। ठीक, ओटीजी तकनीक सबसे अच्छे तरीके से कार्य करेगी यदि सागरों के ऊपरी मतलब गर्त परत तथा गहरी ठंडी परत के बीच जो है ऊर्जा का तापांतर 36 फारेनहाइट, कितना? 36 फारेनहाइट अथवा 20 डिग्री सेल्सियस हो, तो यह जो है काफ़ी अच्छा काम करेगी। इसलिए समुद्री, ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्री ऊष्मीय ऊर्जा। तो भारत में जो है ओटीजी की कुल संभावना कितने मेगावाट है? 180,000 जो है उत्पादन करने की मेगावाट शक्ति भारत के पास है ओटीई के माध्यम से। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि चीन में निषिद्ध शहर कहाँ स्थित है? तो ये भाई कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा, बीजिंग। क्या हो जाएगा? बीजिंग में। तो चीन का निषिद्ध शहर, उसकी वर्तमान राजधानी बीजिंग में स्थित है। यह 72 एकड़ पर का परिसर, मतलब ये इसमें 72 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें चीन के शासकों ने वर्ष 1420 से लेकर 1911 तक शासन किया था। कब भाई? 1420 से लेकर 1911 तारीख तक यहाँ पर शासन किया था। परिसर में लगभग 980 इमारतें हैं। ठीक, तो यह जो है पर्यटन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई, जीवन के साथ रोमांसिंग विथ लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक है, तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, देवानंद के द्वारा जीवन के साथ रोमांस नामक पुस्तक लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगी, ये क्या है? आत्मकथा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ था? तो भाई किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा, 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को विधेयक किया। देखिए, 1992 जो है इसको पारित किया गया था, लेकिन इसे लागू कब किया गया था? 1 जून 1993 को। ठीक, जिसमें इसमें बारहवीं अनुसूची में जोड़ी गई है, जिसमें नगर पालिका को कुल कितने विषय हैं? 18 विषय की सूची में निर्दिष्ट की गई थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज से संबंधित है, और पंचायती राज जो है आपका सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में 1959 को लागू किया गया था। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, कह रहे हैं कि
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, किस देश के संविधान पर आधारित है भाई? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, आयरलैंड। आयरलैंड देखिए संविधान के भाग चार में, भाग चार में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान किस भाग में है, तो भाग चार में और आर्टिकल कितना 36 से 51 के बीच में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं कि ग्रीक ने राजनीति शास्त्र को किसकी मूल मान्यताओं के अनुसार देखा है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, नैतिक दृष्टि से। तो ग्रीक ने राजनीति शास्त्र को किसकी मूल मान्यताओं के अनुसार देखा है, तो नैतिक शास्त्र, नैतिक दृष्टि से, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कह रहे हैं कि एडोल्फ हिटलर एक राजनेता लाखों यहूदियों लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार था, कह रहे हैं कि ये कौन से देश से है भाई, ये कौन से देश से है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। कौन थे ये, जर्मन राजनेता थे, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, सॉरी बी नंबर सही हो जाएगा, फ्रांसीसियों का। देखिए एडोल्फ हिटलर जो था, एडोल्फ हिटलर जर्मन से राजनेता और क्या थे, तानाशाह था। इसने प्रथम विश्व युद्ध के बाद नाजी पार्टी बनाई थी, कौन भाई, नाजी पार्टी बनाई थी। 1933 से 1938 तक लाखों यहूदियों को नस्ली संहार किया, इसकी आत्मकथा मेन कैप है, तो आत्मकथा का भी पूछी जाती है, तो इसकी आत्मकथा का नाम है मेन कैंप। ठीक, तो मेन कैंप, तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं कि मेजा बांध नदी पर स्थित है, तो मेजा बांध जो कि नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा, कोठारी नदी पर। देखिए मेजा बांध जो है भीलवाड़ा में सबसे बड़े बांधों में से एक है और ये अपने यहाँ हरे भरे पार्क के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे, तो किसने किए थे भाई, ये ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा, सातवाहन वंश। देखिए सातवाहन वंश की जो स्थापना थी 230 से 60 ईसा पूर्व के बीच राजा सिमुक ने किया था, तो सात ऐसे पूछेगा सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो राजा सिमुक ने जो है सातवाहन वंश की स्थापना की थी। देखिए सिमुक का जो कार्यकाल था 335 से 212 ईसा पूर्व, इन्होंने लगभग 23 वर्ष तक शासन किए थे और सातवाहन वंश के जो सर्वश्रेष्ठ शासक थे गौतमी पुत्र सत्कर्णी था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो भाई कौन सा जोड़ा जो है इसमें कह रहे कि सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर एक देखिए, कह रहे कि सुब्रतो का फुटबॉल से सही है, होलकर ट्रॉफी यही नाला आपका नहीं सुमेलित है, यही गलत हो जाएगा। हीरो होंडा इंडियंस ओपन गोल्फ से संबंधित है, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से है, तो देखिए होलकर ट्रॉफी एक राष्ट्रीय ब्रिज प्रतियोगिता है, क्या भी एक राष्ट्रीय ब्रिज प्रतियोगिता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं, टेनिस से नहीं संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है, मतलब इसका नया नाम क्या कर दिया गया है। देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत जो है, जो इसकी गठन हुआ था एक अप्रैल 1919 में इसकी शुरुआत की गई थी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब जो है 2011 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया है, क्या भाई, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया है। ठीक, तो इस प्रकार आपका यहाँ ऑप्शन में 2011 में इसका नाम बदल गया, तो यहाँ ऑप्शन दिखाते हैं, ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा भाई, बी नंबर सही हो जाएगा, नेशनल से रूरल लाइवहुड्स मिशन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, इसका नया नाम जो है हो गया है, मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया है 2011 में। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कहना कि किस टीम ने फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। तो ये भाई किसने जीता है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड या अर्जेंटीना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने यह किताब कितने वर्ष बाद जीता है, 36 वर्ष बाद जो है यह जो है फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है। और किसको हरा कर भाई, फ्रांस को। फ्रांस इसके कौन थे, उप विजेता थे। कौन थे भाई, उप विजेता थे। और देखिए इन्होंने यहाँ पर लियोनेल मेसी इसके कप्तान थे, और इनको लियोनेल मेसी जो है अर्जेंटीना के कप्तान थे, और इन्हें गोल्डन बाल अवार्ड दिया गया है। किस क्या अवार्ड, गोल्डन बाल अवार्ड इनको मिल दिया गया है। ठीक, देखिए तो इन्हें ये जो इनके कप्तान इन्हीं को लियोनेल से मेस को जो है गोल्डन बाल अवार्ड फीफा का सर्वश्रेष्ठ दिया गया है। ठीक, तो देखिए फीफा की जो स्थापना हुई थी, फीफा की स्थापना कब की गई थी, 21 मई 1904 ईस्वी को फ्रांस में की गई थी। देखिए जो फीफा का मुख्यालय क्या है, जूरिक से स्विट्जरलैंड। क्या है भाई, जूरिक से स्विट्जरलैंड है ये फीफा का मुख्यालय। तो मुख्यालय भी आपसे पूछ सकता है। और इसमें वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, गियानी इन्फेंटिनो जो है यहाँ के अध्यक्ष हैं। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करें कि फीफा विश्व कप 2022 में देखिए फिर आया, करें कि गोल्डन बाल अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है। और थोड़ा ऊपर करते हैं, चलिए बताइए भाई कौन से, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, तो डी नंबर इसका सही हो जाएगा। अभी बताया लियोनेल मेसी को जो है गोल्डन बाल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्लिक जैकिंग क्या है। तो क्या है भाई, ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। यूजर को ट्रैक करके गोपनीय जानकारी को उजागर करने की दुर्भावनापूर्ण तकनीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। देखिए आपके कुल कितने कक्षे हैं, तो आपके चार कक्षे हैं। तो कौन कौन है भाई, के एल एम एन। ठीक, तो अब किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 2n के पावर 2। ठीक, 2n के पावर 2। तो अब देखिए एम का पूछा है, एम कक्षा में शामिल है, तो एम मतलब तीसरे पे आया, तो यहाँ पे आप रख देंगे एन मतलब नंबर ऑफ 1 2 3 4। तो 3 का होल स्क्वायर कर देंगे और ये हो जाएगा 2 और 9 = 18। ऐसे सब का निकाल लीजिएगा, जैसे पहले का पूछे तो आप पहले के में आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तीसरे में दूसरे में 8 हो जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार ऐसे आप नंबर निकाल लेंगे वन इस फार्मूले पर रखकर, तो सी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कहने कि जब एक दबी स्लिंकी या जिसको बोलते हैं स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को बदलता है। तो भाई क्या करता है, अरे जब स्प्रिंग का आप दबाए रहते हैं छोड़ते हैं तो गतिज ऊर्जा में जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में। ठीक, तो गतिज ऊर्जा फार्मूला क्या, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, k = 1/2 mv² देखिए m मतलब मास मतलब द्रव्यमान, v मतलब वेग मतलब वेलोसिटी। ठीक, तो अब ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, और इसी ऊर्जा बराबर mgh होता है। ठीक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि हृदय कब आराम करता है, भाई ये भी आराम करता है, बताइए कब आराम करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, दो धड़कनों के बीच। हृदय जो है कब आराम करता है, दो धड़कनों के बीच। देखिए हृदय दो धड़कनों के बीच आराम करता है। हृदय की पंपिंग क्रिया उसकी पेशी युक्त भित्तियों को संकुचन पर निर्भर करती है। देखिए आलिंग तथा निलय के बारी बारी संकुचन तथा शीतलन कार्य चलता रहता है। जैसे शीतलन अधिक होता है उसमें सिराओं के रुधिर आता है। निलय के रुधिर भर जाने के बाद इसमें आलिंग की अपेक्षा अधिक तेजी से संकुचन होता है, जिससे हमें भरे रुधिर पर दबाव पड़ता है। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि और छोटा करना पड़ेगा। चलिए
कह रहे हैं कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव क्यों महसूस करता है? तो क्यों करता है भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा, उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण दाब में अंतर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, प्लेटफार्म पर खड़ा व्यक्ति का ट्रेन की तरफ खिंचाव बर्नौली प्रमेय। कौन भाई? बर्नौली सिद्धांत के अनुप्रयोग का उदाहरण है। जब कोई गाड़ी किसी प्लेटफार्म पर तेजी से आती है तो वहाँ वायु का दाब कम हो जाता है। क्या भाई? वहाँ वायु का दाब कम हो जाता है, अतः प्लेटफार्म पर उपस्थित प्रत्येक वस्तु पर दाबांतर के कारण गाड़ी की ओर एक धक्का लगता है, जिससे प्लेटफार्म पर खड़ा व्यक्ति गाड़ी की तरफ खिंचाव महसूस करता है। इस प्रकार समुद्र में बड़े जलयानों के बीच उचित दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है। देखिए, जैसे तेज आंधी में टिन के छतों का उड़ जाना, हाँ, वो भी आपका क्या है? बर्नौली के प्रमेय से। और भौतिक तुला के लीवर का स्वतः नीचे दबना, ये भी बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, इस प्रकार भी डी नंबर सही हो जाएगा। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि BCG का टीका किससे संरक्षण के लिए होता है? तो भाई, ये किसके लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा, क्षय रोग के लिए, मतलब TB के लिए। ठीक, इसको बोलते हैं, देखिए, BCG का टीका जो है, ये जो है क्षय रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है। देखिए, TB रोग के लिए जो माइक्रो बैक्टीरियम से ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु उत्तरदायी होता है। कौन होता है भाई? माइक्रो बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु द्वारा उत्तरदायी होता है। या जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने TB जीवाणु की खोज किया था। तो ये रॉबर्ट कोच ने TB के जीवाणु की खोज किए थे। ठीक, आइए देखते हैं। अब BCG है, BCG का आपसे फुल फॉर्म पूछता है, तो बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और देखिए, जो इसका BCG की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुएरिन ने किया था। ठीक, अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुएरिन ने इसकी खोज की थी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी एल्कीन पहले स्पेस के रूप में जाने जाते थे, बताइए किसके रूप में जाने जाते थे? तो भाई किसके? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, ओली फिंस के नाम से पहले एल्कीन जो है जाना जाता था। देखिए, इसका साधारण एल्कीन का साधारण सूत्र क्या है? CnCnH2n। ठीक, इसका साधारण सूत्र है। ठीक, देखिए, एथाइलीन जो है C2H4 एथाइलीन जो सबसे सरल एल्कीन होता है, तो ये फार्मूला भी एल्कीन का याद रखिएगा, और इसका पहले नाम जो है ओलिफिंस के नाम से जाना जाता था। ठीक, तो इस प्रकार आपके 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।